हेलो व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबा लें ताकि आप इस चैनल से कनेक्ट हो जाएं, मुझसे कनेक्ट हो जाएं और आपकी एनर्जी मुझसे रेजोनेट हो पाए। आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर से ब्रेकअप में हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि सेम पार्टनर आपके पास लौटेंगे या थर्ड पार्टी से मैरिज करके वहीं रुक जाएंगे। तो आइए, ये रीडिंग उसी का सोल्यूशन है। मैं यहाँ पर पहले एंजल्स को बुला लूँ, ठीक है? डिवाइन एंजल्स, आप सब मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को सही से गाइड करें, ठीक है? मेरे व्यूअर्स को बताएं कि थर्ड पार्टी के लिए इनके पार्टनर स्टैंड लेंगे या इनके लिए, ठीक है? इसके बाद मैं कुछ सवाल एंजल डेक से भी करूंगी, रोमांस एंजल से भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर लूंगी, मूनोलॉजी डेक से भी देखूँगी, ठीक है? और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। चलिए, पहले हम कुछ गाइडेंस हम टैरो से लेते हैं, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए, हम जानते हैं कि यदि आपके पार्टनर आपसे बहुत टाइम से ब्रेकअप में हैं तो वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या किसी थर्ड पार्टी के लिए। किसके लिए स्टैंड लेंगे वो? अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में या हाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, कई बार शॉर्ट्स में भी मेरे नंबर डला हुआ है, डेली शॉर्ट्स आते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। पुराने शॉर्ट्स में नंबर है मेरा, ठीक है? ऊपर ही दिखता है वीडियो में ही, तो आप वहाँ से ले सकते हैं अगर किसी को पर्सनल रीडिंग नहीं है। आइए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए स्टैंड लेंगे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबा के कनेक्ट हो जाएं ताकि आपको एंजल और यूनिवर्स मुझसे कनेक्ट कर सकें। आइए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए स्टैंड लेंगे या किसी थर्ड पार्टी के लिए। लेट्स सी, पहले हम कुछ कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए निकालेंगे कि क्या कोई थर्ड पार्टी से ही वो मैरिज कर लेंगे वहाँ स्टैंड लेके या नहीं। पहले मैं कुछ कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए निकालूंगी, फिर आपके लिए देखेंगे रीडिंग में। मैं इसके लिए दो अलग अलग डेक्स यूज़ करने वाली हूँ, अभी मैं थर्ड पार्टी के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है? ठीक है, पहले हम थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं। ओके, कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको गाइड करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, टॉवर। आइए देखते हैं कि क्या ये किसी थर्ड पार्टी के लिए स्टैंड लेंगे या नहीं। ओह माय गॉड, चलिए कुछ क्लियर कर लूँ मैं। क्वीन ऑफ सोच्स क्यों आई है मेरे व्यूअर्स को बताएं, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, डेथ क्यों आया है, क्या ख़त्म होगा, प्लीज़ बताएं क्या ख़त्म होगा। मेरे व्यूअर्स को बताएं क्या ख़त्म होगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, डेथ क्यों आया है। ओके, हर्मिट क्यों आया है, क्लैरिफाई करें, क्यों अकेले रहेंगे ये, क्या प्रॉब्लम आएगी थर्ड पार्टी में, प्लीज़ बताएं। ओके, इसको क्लियर करें, किसके लिए स्टैंड लेंगे ये, किससे मैरिज करेंगे ये, प्लीज़ बताएं किसके लिए स्टैंड लेंगे ये। ओके, ये किसके लिए आए हैं, किसकी तरफ बढ़ेंगे ये बताएं। व्यूअर्स, मैं कुछ क्लियर कर रही हूँ फिर आपको बताती हूँ, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं ये प्लीज़ बताएं। ओके, ये क्यों आए हैं, क्या प्रॉब्लम आएगी रिश्ते में फ्यूचर में, ये क्यों आए हैं प्लीज़ बताएं। ओके, इसको और क्लियर करें, किसके लिए बढ़ेंगे ये, और क्लियर करें प्लीज़ यूनिवर्स।
इसको क्लियर करें यूनिवर्स, अभी भी इसको और क्लियर करें। थैंक यू, थैंक यू। ओके ठीक है व्यूअर्स, अभी मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग दे रही हूँ, ठीक है? क्या थर्ड पार्टी के लिए ये कोई स्टैंड लेंगे? व्यूअर्स देखिए, इनके घर में बातचीत तो चल रही है शादी को लेके, और कोई थर्ड पार्टी हो सकता है इनकी लाइफ में है ऑलरेडी, ठीक है? तो इन्होंने घर पे उसके लिए बात रखी कि मैं इससे करना चाहता हूँ। आपको इन्होंने पहले ब्लॉक किया, फिर उस थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने मैरिज करने के लिए पैसों की वजह से शायद उसकी तरफ स्टैंड लिया, और आपको लेके हमेशा कन्फ्यूजन में रही है। आपको शो तो ऐसा करते रहे कि आप ही हो इनकी लाइफ में, लेकिन थर्ड पार्टी ऑलरेडी थी, और आपको डाउट भी था। यहाँ पर आप जो लोग आए हैं उनको ऑलरेडी डाउट था, इसीलिए वो रीडिंग देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और ये एक दिन अचानक से आपको धोखा देंगे। और इन्होंने वही किया, इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया आपके ऊपर और आपको धोखा दिया। तो क्या ये किसी थर्ड पार्टी के लिए स्टैंड लेंगे? व्यूअर्स देखिए, ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े तो ज़रूर हैं, लेकिन ये आपको लेके कन्फ्यूजन में है, ठीक है? आप इसी कन्फ्यूजन की वजह से इन फ्यूचर इनका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक सोच विचार के लिए अकेले, अपने अकेले की सिचुएशन में चले जाएंगे, ठीक है? और इनके घर वाले बहुत परेशान रहेंगे कि ये कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है? पर ये ना अपनी उसमें अपने आंतरिक खोज में, अंतरात्मा की खोज में, कि क्या मैंने अपने उस पार्टनर के साथ सही किया, क्योंकि इनको इनका कर्मा मिलेगा, तो ये उस सोच में चले जाएंगे और ये बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि मैं उसके पास लौटूं या नहीं लौटूं। थर्ड पार्टी के पास नहीं, आपकी बात हो रही है, क्योंकि आपको धोखा देके गए और थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा किसी धोखे के साथ। जैसे इनको कर्मा पे बैक होगा, तो वो किसी भी वजह से धोखा होगा, वो डिवाइन का काम है। आप डिवाइन को सोचने दें कि उनके बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डिवाइन देखेंगे, ठीक है? जब जिस रिश्ते को एंड होना होता है वो अपने आप होता है। फिर ये स्टैंड लेने की बात आएगी मैरिज में, तो इनको वहाँ पे धोखे ही मिलेंगे। इनको कहीं भी इनकी मैरिज ना मुझे अप्रूव होते हुए नहीं दिख रही। सडनली ये ना आपकी तरफ स्लोली स्लोली बढ़ेंगे, बट थर्ड पार्टी के साथ इनका सिचुएशन एंड हो जाएगा। अभी आपकी तरफ बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं पूरी तरह से, ये मैं आपके डेक में देखूंगी। पहले हम कुछ एंजल्स की गाइडेंस लेंगे थर्ड पार्टी के लिए, कि क्या इनकी मैरिज होगी या नहीं होगी, ठीक है? आप भी मन में एक सवाल कर लें एंजल से, मैं तो पूछ ही रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है एंजल से कि क्या थर्ड पार्टी से इनकी मैरिज होगी या नहीं। देखो टैरो ने तो साफ नो बोल दिया है, थर्ड पार्टी से फ्यूचर में निकल जाएंगे, किसी भी और थर्ड पार्टी से इनकी मैरिज नहीं दिख रही है। एंजल से भी गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है? आप प्लीज़ मन में प्रे कर लें और देखते हैं क्या एंजल्स क्या बोलते हैं, क्या इनकी थर्ड पार्टी से मैरिज हो जाएगी या नहीं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, क्या थर्ड पार्टी से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की मैरिज हो जाएगी या नहीं, ठीक है? आप भी मन में प्रे कर लें, मैं एंजल्स से पूछ रही हूँ, आप मन में प्रे करें ताकि एंजल्स आपको गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की किसी थर्ड पार्टी से मैरिज होगी या नहीं। थैंक यू, ठीक है? मैं थोड़ा सा इनको एंजल्स को बुला लूं। आप भी मन में प्रे करें, ठीक है? चलिए देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। देखिए एंजल्स बोल रहे हैं कि इनको कुछ अभी और इन्फॉर्मेशन लेनी बाकी है, ठीक है? इनका वो ट्रस्ट नहीं बन पाएगा थर्ड पार्टी के साथ जो आपके साथ है, ठीक है? और अगर ये वहाँ पे मैरिज कर भी लेते हैं तो इनको वहाँ पे धोखा ही मिलेगा, ये चीज़ आप याद रखिए, इनको धोखा मिलेगा। मैंने कहा ना कि मैरिज के लिए इनको धोखे ही मिलेंगे। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर्स यहाँ पे मैरिज कर भी लें तो उनको मैरिज के बाद पता चले कि थर्ड पार्टी कितनी ख़राब है, ठीक है? तो ये धोखा तो इनको मिलना निश्चित है थर्ड पार्टी में। आइए अब आपके लिए देखते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया तो यूनिवर्स इनको पे बैक करेगा। एंजल्स बोल रहे हैं कि अभी और इन्फॉर्मेशन निकालो, हड़बड़ा के शादी का डिसीजन मत लो, आओ थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है? अब आपके लिए हम एक न्यू डेक यूज़ करेंगे, मैं उस न्यू डेक में गाइडेंस लूँगी क्या आपके साथ इनकी मैरिज हो जाएगी या नहीं, ठीक है? क्या आपकी तरफ ये बढ़ेंगे या नहीं, मैरिज तो बात की बात है,
अभी तो ये अगर आपके साथ ब्रेकअप में है तो क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स की तरफ लौट कर आएंगे? ठीक है, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए स्टैंड लेंगे, उनसे मैरिज करेंगे? लेट्स सी। आप प्लीज़ अपने मन में प्रे करते रहें। इस वक्त आप लोग मुझे बहुत दर्द में दिख रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता कि आपको क्या करना है, बट डोंट वरी, अब आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उसको ध्यान से सुने। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए स्टैंड लेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स की तरफ कम बैक करेंगे? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कार्ड्स हम बाद में खोलेंगे, अभी मैं बस निकाल रही हूँ चारों से। ठीक है, ओके, सो देखिए बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त आप लोगों को नहीं पता, वही मैंने कहा ना आप लोग बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, टैरो भी सेम मुझे सिचुएशन बता रहा है, आप लोग अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है आगे का रास्ता आपको क्लियर ही नहीं है मैरिज को लेकर, ये कन्फ्यूजन ना मैरिज को लेकर है, क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि आपके पार्टनर्स ने आपको एंड टाइम पे चीटिंग दी है, आप लोगों को उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये तो चले गए आपको छोड़ के ब्लॉक करके, पर जो भी लोग यहाँ पे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना है, तो मैं वही गाइडेंस खोलने जा रही हूँ। क्या ये आपकी तरफ वापस आएंगे? लेट्स सी, अभी तो आप बहुत पेन में हैं। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ फिर आपको बताती हूँ ये क्यों आए हैं, क्यों दर्द में हैं मेरे व्यूअर्स, मुझे बताएं यूनिवर्स क्यों पेन में हैं। वैसे तो मुझे पता है लेकिन देखते हैं टैरो क्या बोलते हैं, क्यों पेन में हैं ये, क्या हुआ है प्लीज़ बताएं। सबकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, अरे बाप रे इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, क्यों पेन में हैं ये? देखा, फिर एक और कार्ड, पेन पे पेन का ही कार्ड, बताओ आपके पार्टनर आपको छोड़ के चलेगा, यहाँ पे क्लियर है इसीलिए आप लोग पेन में हैं। क्या कंप्लीट होगा प्लीज़ बताएं, क्या कंप्लीट होगा प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, क्यों आए हैं ये प्लीज़ बताएं, क्या कंप्लीट होगा एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या कंप्लीट होगा? ओह ओके, ये क्यों आई हैं, ये क्यों आई हैं प्लीज़ बताएं, ये क्यों आई हैं क्लैरिफाई करें इसको भी। ओके, ये क्यों आए हैं, कैंड होंगे ये, क्यों आए हैं ये, क्या बता रहे हैं हमें ये राक्षस देवता, बताइए क्यों आए हैं आप, क्यों आए हैं प्लीज़ बताएं, क्यों आए हैं? ये क्यों आए हैं, क्या कंप्लीशन होगा मेरे व्यूअर्स के साथ, आप लोग प्लीज़ वेट करें मैं एक बार क्लैरिफाई कर लूँ फिर आपको बताती हूँ, क्या कंप्लीशन होगा मेरे व्यूअर्स के साथ इसको भी क्लैरिफाई करें एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। क्या कंप्लीशन होगा मेरे व्यूअर्स के साथ, ये क्यों आए हैं, क्या बैलेंस हो जाएगा रिश्ता, क्या मेरे व्यूअर्स के साथ रिश्ता बैलेंस हो जाएगा? थैंक यू, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, ओके, सो मेरे व्यूअर्स को रुकना चाहिए या नहीं प्लीज़ बताएं, क्या लौटेंगे मेरे व्यूअर्स के पास ये, क्या लौटेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के पास? ओवरऑल एनर्जी देखते हैं और बताएं क्या लौटेंगे,
देखिए व्यूअर्स, आपके पार्टनर्स ना थर्ड पार्टी के साथ एक धोखा खाएंगे। उनकी थर्ड पार्टी के साथ कोई कार्मिक साइकिल है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद ना ये शादी को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, शादी के नाम से भी भागेंगे, इनकी ऐसी सिचुएशन होगी। और अगर आप इनका वेट कर रहे हैं ना, तो ये बहुत टाइम लेने वाले हैं। कैन यू इमेजिन, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो ज़बरदस्ती मतलब यहाँ पर फंसी हुई है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, पर वो यहाँ पे फंसी हुई है, ठीक है। एक बार आपका फ्यूचर देख लेते हैं इनके साथ, ओवरऑल क्या फ्यूचर होगा मेरे व्यूअर्स का अपने पार्टनर्स के साथ। ओवरऑल एनर्जी मैं 3 कार्ड में ले रही हूँ। क्या फ्यूचर होगा मेरे व्यूअर्स का अपने पार्टनर्स के साथ, प्लीज़ बताएं। इनको वेट करना चाहिए? क्या ये सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है? क्या इनके पार्टनर्स लौटेंगे कार्मिक डेप्थ पूरा करने के बाद या नहीं, प्लीज़ बताएं। देखिए, इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देना ना देना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, क्योंकि कोई इतना परेशान कर रहा है, उसके बाद भी आप उसका वेट कर रहे हैं, तो बट स्टिल मेरा काम है आपको बताना कि आपको वेट करना है या नहीं, ठीक है। ये लौटेंगे या नहीं, लेट्स सी आपकी लाइफ में, ठीक है। वन मोर शफल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, प्लीज़ बताएं। थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू कृष्ण जय कृष्णा जी, प्लीज़ बताएं क्या ये लौटेंगे मेरे व्यूअर्स के पास। थैंक यू, मेरा काम है आपको गाइडेंस देना। एक बार मैं और शफल कर लेती हूँ, क्या ये लौटेंगे हमें। थैंक यू, देखिए थर्ड पार्टी से काफ़ी कलेश होगा इनका, ठीक है, काफ़ी कलेश। आपको इस बीच में करना ये है कि आपको अपने रिश्ते को वापस इम्प्रूव करने के लिए मैनिफेस्ट करना है। जब इनका थर्ड पार्टी से कलेश हो जाएगा ना, ये उससे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। उसके बाद ये शादी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हैं। इनके माँ बाप इनके आगे हज़ारों ऑप्शंस रख देंगे, पर इनको समझ में नहीं आएगा, और ये अपनी लाइफ में ना दोबारा आपको चाहेंगे, ठीक है। और आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप दोनों की जो प्यार में प्योरिटी है ना, वो सच्ची है, लेकिन सामने वाला समझने को तैयार नहीं है। आप ना इनको ऑप्शंस तराशने दीजिए। जब इनको समझ में आएगा ना कि आप ही इनके राइट पार्टनर हैं, तो आपका इनसे यूनियन हो जाएगा डिवाइन टाइम पे, ठीक है। ये लौटेंगे, यूनियन होगा डिवाइन टाइम पे। इनको समझने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, काफ़ी लड़ाई कलेश है इस रिश्ते में, ठीक है। आइए मैं एंजल से भी गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपको वेट करना है या मूव ऑन। क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर्स का वेट करना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर्स का वेट करना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर्स का वेट करना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर्स का वेट करना चाहिए? लेट्स सी। क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर्स का वेट करना चाहिए? थैंक यू। इट्स अप टू यू, ये कार्ड पहले भी आया था, ठीक है, मैंने इग्नोर किया, तो दोबारा इन्होंने दे दिया एंजल्स ने। हे भगवान, आपके ऊपर है, ठीक है। एंजल्स तो बोल रहे हैं कि अभी वेट करके बैठे मत रहो, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक बार सोच लो ऐसे पार्टनर को चुनने से पहले, ठीक है। ये इंसान जो है, क्या ये आपके काबिल है, ठीक है। ये लौटेगा तो सही एक साल के बाद, ठीक है, लेकिन क्या ये आपके काबिल है जिसने आपको इतना रुलाया है, वही मैं आपसे कह रही थी। आपको सोचना है, आपको डिसीजन लेना है। अब मैं ये पूछ लेती हूँ, वेट करने के लिए तो एंजल्स मना कर रहे हैं ऐसे इंसान के लिए, पर क्या ये लौटेंगे? हम ये सवाल पूछ लेते हैं, फिर एंजल्स क्या बोलते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी लाइफ में लौटेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी लाइफ में लौटेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी लाइफ में लौटेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी लाइफ में लौटेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी लाइफ में लौटेंगे? हाँ जी, परफेक्ट टाइमिंग पे लौट तो आएंगे, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो हेल्थ भी ठीक हो जाएगी,
आपको लेट गो करना पड़ेगा, अपने पार्टनर को भूलना पड़ेगा, ठीक है। ये लौटेंगे, आपको इनको अपनाना है नहीं अपनाना है आपकी मर्ज़ी है, इस रिश्ते में रिकवरी होगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको आपकी मर्ज़ी है कि आप सेम पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। सो बहुत लंबी रीडिंग हो गई, मैंने और भी चीज़ों की गाइडेंस बोली थी, पर इस अभी के लिए इतना काफ़ी है। अभी के लिए मैं चलती हूँ। राधे राधे, खुश रहें सभी, हंसते हंसाते रहें, बाय बाय।